नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का टारवी तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव निरंजन, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ अपनी आरओ एआरओ की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आलोक सर और रवि सर के निर्देशन में यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का फाउंडेशन बैच आपके लिए प्रारंभ किया गया है। परीक्षा की जो संभावित तिथि है वह 1 अगस्त है। 1 अगस्त को यह परीक्षा आपकी होनी है और लगभग अगर अभी से देखा जाए तो आपके पास लगभग 4 माह का समय है और इस 4 माह के समय में हमारी टीम के द्वारा आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। न केवल तैयारी कराई जाएगी, तैयारी के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और आपको अति संभावित प्रश्नोत्तरी, मॉक टेस्ट पेपर और साथ ही साथ मैराथन क्लास, इतना सब कुछ दिया जाएगा। तो इसी क्रम में मैं गौरव निरंजन आज अपना दूसरा लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने भारत की जलवायु को समझा था कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, जलवायु किसे कहा जाता है और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अभी इसी पर हमें और भी आगे चर्चा करनी है। इतना आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आपने मुझसे भारतीय क्लाइमेट यानी भारतीय जलवायु को समझ लिया तो दुनिया की वह कोई भी महाशक्ति नहीं है जो आपको आपके प्रश्नों को करने से रोक सके। आप आईएएस से लेकर कोई भी छोटी परीक्षा तक का या छोटी परीक्षा से लेकर आईएएस तक का कोई भी एग्जाम देख लीजिएगा, भारत की जलवायु का आपका इस नोट से मैं अलग नहीं होने दूंगा, ठीक ना। तो पिछली लेक्चर में मैंने ये बताया था आपको कि जलवायु वायुमंडल की एक दीर्घकाल की प्रक्रिया होती है और अगर मौसम की बात करें तो मौसम एक अल्पकाल या लघुकाल की प्रक्रिया होती है। जलवायु 50 या उससे अधिक वर्षों के बाद बदलती है और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं, जैसे तापमान या अक्षांश विस्तार, भारत के तीन ओर जल का होना, स्थल और जल का वितरण, उच्चावच और ऊंचाई। उच्चावच या इसी को हम स्थलाकृति भी कहते हैं, उच्चावच या इसी को हम स्थलाकृति भी कहते हैं। हम आज जो अपने टॉपिक की स्टार्टिंग कर रहे हैं वह हम कर रहे हैं पवन से। अपने टॉपिक की स्टार्टिंग जो भारत की जलवायु भाग द्वितीय में जो हम अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं लेक्चर की, वह कर रहे हैं पवन से। तो मैंने कल भी आपको, कल का मतलब है पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि पवन किसे कहते हैं, पवन अर्थात विंड। अच्छे समझिएगा, पवन अर्थात विंड किसे कहते हैं, तो पवन अर्थात विंड, इंग्लिश में विंड बोलते हैं और हिंदी में पवन। तो जब हवाएं क्षैतिज रूप से चलती हैं, जब हवाएं क्षैतिज रूप से चलती हैं तो हवाओं के क्षैतिज रूप से चलने को ही क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। और याद रखिएगा जो पवन है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अगर हम बात करें कि सर हाई प्रेशर और लो प्रेशर हमें कैसे पता चलेगा, तो बाबू हमेशा याद रखो कि जो प्रेशर है, वायुदाब है या दाब है जो, उसका टेम्परेचर से विपरीत संबंध होता है, उसका टेम्परेचर से विपरीत संबंध होता है। यदि टेम्परेचर अधिक है तो प्रेशर कम होगा और यदि टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर अधिक हो जाएगा, तो दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक ना। एक बात तो यह है, तो पवन हमेशा हाई प्रेशर से कहां की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, पहली बात। दूसरी बात आपको यह याद रखना है कि पवन का जो नामकरण है, पवन का नामकरण उसके आने की दिशा के आधार पर किया जाता है। यदि पवन पूरब से आ रही है तो हम कहेंगे पूर्वीय पवन है, अगर पवन उत्तर से आ रही है तो उत्तरी पवन है, ध्रुवीय क्षेत्रों से आ रही है तो ध्रुवीय पवन है, पश्चिम से आ रही है तो हम कहेंगे पश्चिमी पवन है, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिएगा अगर मैं कहूं कि एक पवन है और ये पवन जो है ये पूरब से कहां जा रही है, तो पूरब से पश्चिम जा रही है, तो इसको नाम दिया जाता है पूर्वी पवन। इसको क्या नाम दिया जाएगा, पूर्वी पवन। और यदि कोई पवन पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, यदि कोई पवन पश्चिम से पूरब की ओर जाती है तो इसको क्या नाम दिया जाता है, तो इसको नाम दिया जाता है पछुआ पवन। क्या नाम दिया जाता है, तो इसको नाम दिया जाता है पछुआ पवन। तो एक पूर्वी पवन हो गई और एक कौन सी पवन होगी, पछुआ पवन, ठीक ना। साथ ही साथ आपको यहां पर एक बात और याद रखनी है कि पवन जो है वो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पवन उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती है, तो पवन उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है और पवन दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती है, यहां पर एन की जगह एस लिख रहा हूं, एस दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती है,
तो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है, ठीक ना। आप सभी जानते हैं जिस जितनी मेहनत से हम लोग प्रमोशन वीडियो में पढ़ाते हैं उतनी ही मेहनत से और उससे अधिक मेहनत के साथ हम लोग अपने बैचेज में पढ़ाते हैं, ठीक ना, अपने बैच में पढ़ाते हैं। हमारे संस्थान के जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार ईमानदारी पूर्वक आपको पढ़ाया जाता है। आरओ एआरओ के बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको केवल इतना सा कार्य करना है, इतना सा कार्य करना है केवल आपको आरओ एआरओ में एडमिशन लेने के लिए कि यहां पर मैं आपको एक नंबर दिखा रहा हूं अभी, ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आपको एंट्री आरओ एआरओ लिखकर सेंड कर देना है। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7394926623, इस नंबर पर आपको एंट्री आरओ एआरओ लिखकर सेंड कर देना है। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको एडमिशन प्रक्रिया के बारे में बता दिया जाएगा। यदि आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप इन नंबरों पर हमें प्रातः सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो आपको यहां पर समझा दी जाएंगी, जो भी आपकी बातें होंगी वो आपको समझा दी जाएंगी। आइएगा अपने लेक्चर पर चलते हैं, ठीक ना। तो पहले मैंने स्टार्ट की पवन से। अब पवन के अलावा देखिएगा एक शब्द हम लोगों को समझना है, ठीक ना, एक शब्द समझना है हमें, और शब्द है ITCZ, एक शब्द है और एक शब्द है ITCZ, शॉर्ट नेम है। अगर ITCZ का मैं फुल फॉर्म करता हूं तो ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल इंटर ट्रॉपिकल कंजर्व जोन, और हिंदी में से कहा जाता है अंतः उष्ण कटबंधीय अभिसरण क्षेत्र। कई बार पूछा गया है कि ITCZ क्या है, तो ITCZ क्या है मैं समझा रहा हूं आपको। ITCZ का सबसे पहले तो फुल फॉर्म समझिएगा, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन, या हिंदी में बोलते हैं अंतः उष्ण कटबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITCZ का ये फुल फॉर्म है। ITCZ वास्तव में है क्या? ITCZ एक ऐसा क्षेत्र होता है जो सूर्य की किरणों के साथ चलता है। अच्छे समझिएगा, ITCZ एक ऐसा क्षेत्र होता है जो सूर्य की किरणों के साथ चलता है। सूर्य की किरणों के साथ चलता है इसका मतलब तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि सूर्य की किरणें एक स्थान पर नहीं रहती हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, साथ ही साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन भी कर रही है, साथ ही साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी लगाती है, जिस कारण से सूर्य की किरणें क्या है पृथ्वी में गमन करती रहती है। एक बार सिचुएशन ये बनती है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तक जाती हैं, और एक बार वर्ष में ऐसा होता है कि सूर्य की किरणें जब दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक जाती हैं। तो सूर्य की किरणों का कर्क रेखा तक जाना और मकर रेखा तक जाने, इस प्रक्रिया को उत्तरायण और दक्षिणायन की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरायण और दक्षिणायन की प्रक्रिया कहा जाता है। यहां समझिएगा ITCZ क्या है, तो मैंने बताया ITCZ सूर्य की किरणों के साथ गमन करता है, अर्थात जहां पर सूर्य की किरणें होती हैं वहां पर ITCZ पाया जाता है, ठीक ना। अब बताइएगा जहां पर सूर्य की किरणें होंगी वहां पर कम टेम्परेचर पाया जाएगा या अधिक टेम्परेचर? तो जहां पर सूर्य की किरणें होती हैं वहां पर तापमान हमेशा अधिक पाया जाएगा, तापमान अधिक होगा। जहां पर सूर्य की किरणें होती हैं वहां पर तापमान अधिक पाया जाता है। तो सिंपल से शब्दों में लिखेंगे, जहां पर सूर्य की किरणें होती हैं वहां पर तापमान अधिक पाया जाता है। अभी मैंने पिछले पेज में आपको ये बताया था कि तापमान का प्रेशर से कैसा संबंध होता है, तो तापमान का दाब से कैसा संबंध होता है, तो तापमान का दाब से विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर तापमान अधिक है तो
तो तापमान अधिक होने के कारण यहां पर दाब क्या है, दाब कम पाया जाएगा। दाब क्या है, तो दाब कम पाया जाएगा क्योंकि तापमान और दाब का एक दूसरे से कैसा संबंध होता है, क्योंकि तापमान और दाब का एक दूसरे से विपरीत संबंध होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कम दाब को हम किस नाम से जानते हैं, तो कम दाब को हम लो प्रेशर के नाम से जान सकते हैं। तो अगर आपसे सिंपल से शब्दों में पूछा जाए कि ITCZ क्या है, तो आप एक प्रश्न में आंसर देंगे ITCZ निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। ITCZ क्या होता है, तो ITCZ निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, अर्थात यहां पर टेम्परेचर अधिक रहेगा, जहां पर ITCZ रहेगा वहां पर टेम्परेचर अधिक रहेगा, और यदि यहां पर टेम्परेचर अधिक रहेगा तो टेम्परेचर का दाब से विपरीत संबंध होने के कारण दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ITCZ क्या है, और एक ऑप्शन मिलेगा उच्च ताप एवं निम्न दाब का क्षेत्र, तो इसी को आप सही कर देंगे। जहां पर उच्च ताप होगा बाबू, वहीं तो निम्न दाब होगा, क्योंकि ताप का दाब से कैसा संबंध होता है, क्योंकि ताप का दाब से विपरीत संबंध होता है। बोलिएगा इतनी बात समझ में आ गई, एक बार से मैं 2 मिनट में आपको रिवाइंड कराता हूं, देखिएगा। ITCZ क्या है, सूर्य के किरणों के साथ गमन करता, अर्थात जहां पर सूर्य की किरणें होती है वहां पर ITCZ होता है। अब जहां पर सूर्य की किरणें रहेंगी वहां पर तापमान अधिक रहेगा, तो जहां पर तापमान अधिक रहेगा वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। कौन सी इक्वेशन के आधार पर, T समानुपाती 1/P के आधार पर, जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, तो प्रेशर कम, और कम प्रेशर को हम किससे इंडिकेट करते हैं, LP से, लो प्रेशर। तो ITCZ क्या है, तो ITCZ एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है या एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, ठीक ना। हमने आपसे कहा कि सूर्य के किरणों के साथ रहता है, और हमने ये भी बताया कि सूर्य की किरणें एक बार उत्तर में आती हैं और एक बार कहां जाती हैं, एक बार सूर्य की किरणें दक्षिण में जाती। तो यहां देखिएगा, देखिएगा, मान लीजिएगा ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी क्या है, तो ये आपकी मान लीजिएगा पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीचों बीच से यहां पर पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, और पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है बखूबी इस रेखा को जानते हैं, इस रेखा का नाम होता है विषुवत रेखा, इस रेखा का नाम क्या है, विषुवत रेखा है। और एक रेखा उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है, और उत्तरी गोलार्ध से जो रेखा गुजरती है इस रेखा का नाम है कर्क रेखा, और कर्क रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। कर्क रेखा का मान कितना होता है, तो कर्क रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये दक्षिणी गोलार्ध है, और दक्षिणी गोलार्ध से एक रेखा होकर गुजरती है 23.5 डिग्री साउथ, अर्थात ये कौन सी रेखा है, अर्थात यह है आपकी रेखा है मकर रेखा। कौन सी रेखा है, तो यह है आपकी है मकर रेखा। मैंने आपसे कहा कि सूर्य की किरणें उत्तरायण एवं दक्षिणायन करती हैं, एक बार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर पहुंचती हैं और एक बार दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर पहुंचती हैं। तो यहां देखिएगा, सूर्य की किरणें सर्वप्रथम मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं सीधी, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर को जब सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, तो मकर रेखा पर जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो यहां पर टेम्परेचर अधिक होगा, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जहां पर सूर्य की किरणें रहेंगी वहीं पर क्या रहेगा, ITCZ। मतलब 22 दिसंबर को ITCZ कहां रहता है, 22 दिसंबर को ITCZ मकर रेखा पर पाया जाएगा, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें हैं, और जहां पर सूर्य की किरणें हैं वहीं पर कौन सा क्षेत्र पाया जाएगा, ITCZ यानी निम्न वायुदाब का केंद्र पाया जाएगा। अब 22 दिसंबर के बाद कौन सा मंथ आता है, जनवरी के बाद सूर्य की किरणें धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ेंगी। दिसंबर के बाद जनवरी में सूर्य की किरणें यहां पर आती हैं, फरवरी में सूर्य की किरणें यहां पर आती हैं, और मार्च आते आते सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर आ जाती हैं। मार्च आते आते सूर्य की किरणें कहां पर आ जाती हैं, विषुवत रेखा पर। कहीं कहीं पर 22 मार्च लिखा रहता है, कहीं कहीं पर 23 मार्च लिखा रहता है, तो 22 मार्च है ना। तो 22 मार्च को सूर्य की किरणें कहां पर आ गई, विषुवत रेखा पर। और विषुवत रेखा कहां पर होती है, ग्लोब पर, पृथ्वी पर। विषुवत रेखा कहां पाई जाती है, बिल्कुल बीचों बीच पाई जाती है, बिल्कुल बीचों बीच। किसके बीचों बीच पाई जाती है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच पाई जाती है। कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। तो जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ेंगी,
तो जितनी ऊष्मा उत्तरी गोलार्ध को प्राप्त होगी उतनी ही ऊष्मा दक्षिणी गोलार्ध को प्राप्त होगी। यही कारण है कि मार्च के महीने में ना तो उत्तरी गोलार्ध के लोगों को ज्यादा ठंडी और ना ही ज्यादा गर्मी, और ना ही दक्षिणी गोलार्ध के लोगों को ना अधिक ठंडी और ना अधिक गर्मी का महसूस होता है। ठीक ना, अब देखिएगा यहां पर कहानी समझिएगा। 22 मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अब सूर्य की किरणें धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगी। अप्रैल, अप्रैल में APRIL, अप्रैल में सूर्य की किरणें यहां पर, अप्रैल के बाद मई में सूर्य की किरणें यहां पर, और जून में सूर्य की किरणें कहां पहुंचती हैं, तो जून में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पहुंचती हैं। कितने जून को पहुंच जाती हैं? 21 जून। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहां पहुंचती हैं? 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पहुंच जाती हैं। कहां पहुंच जाती हैं? कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा पर अगर 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पड़ेंगी तो हम ये भी कह सकते हैं कि ITCZ भी कहां पहुंच जाएगा? 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा। अब 21 जून को जब यहां पर सूर्य की किरणें आ जाएंगी तो 21 जून जून के बाद सूर्य की किरणें लौटना प्रारंभ करेंगी। जून के बाद जुलाई में यहां पर आ जाएंगी, जुलाई के बाद अगस्त में यहां पर आ जाएंगी, और सितंबर 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर आ जाएंगी। 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहां पर आएंगी? विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर दो बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, अर्थात विषुवत रेखा पर एक वर्ष में दो बार सूर्य की किरणें आती हैं। एक आती है 22 मार्च को और एक आती है 23 सितंबर को। अब यहां पर देखिएगा, UPPCS में यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि ITCZ कब विषुवत रेखा पर आता है। तो ITCZ विषुवत रेखा पर कब आएगा? एक तो आएगा 22 मार्च को और एक आएगा कब? 23 सितंबर को। ठीक ना, सितंबर के बाद आप सूर्य की किरणें धीरे धीरे लौटेंगी दक्षिण गोलार्ध में, अक्टूबर में यहां, नवंबर में यहां, और दिसंबर में सूर्य की किरणें कहां गई? मकर रेखा पर। कितने दिसंबर को? 22 दिसंबर को। कितने दिसंबर को? 22 दिसंबर को। तो ये है सूर्य की किरणों का उत्तरायण और सूर्य की किरणों का दक्षिणायण। एक बार सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी और एक बार सूर्य की किरणें कहां जाएंगी? तो एक बार सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगी। ठीक ना, तो एक बार सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी और एक बार सूर्य किरणें दक्षिणी गोलार्ध। अब आप मुझे ये बताइएगा, जहां पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहां पर गर्मी होगी या सर्दी? तो सीधी सी बात है, वहां पर गर्मी होगी, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं बाबू सोच समझ के बताइएगा, ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग होता है दक्षिणी गोलार्ध। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइएगा उत्तरी गोलार्ध में, यानी विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में कब से गर्मी पड़ना स्टार्ट होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में कब से गर्मी पड़ना स्टार्ट होगी और कब तक होगी? तो देखिएगा, 22 मार्च को सूर्य की सीधी किरण कहां है? विषुवत रेखा पर है। और अप्रैल में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी। तो जब अप्रैल में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब से प्रारंभ होगी? अप्रैल। अप्रैल से कब तक रहेगी? मई में रहेगी, जून में रहेगी, जुलाई में रहेगी, अगस्त। और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर आएंगी तो उत्तरी गोलार्ध में अब ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाएगी। अब जब 23 सितंबर के बाद अक्टूबर में सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी तो अब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का समय ऐसा समय होगा जब दक्षिणी गोलार्ध में क्या पाई जा रही होगी? ग्रीष्म ऋतु। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक उत्तरी गोलार्ध है तो एक दक्षिणी गोलार्ध है। आप बताइएगा, अगर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही है तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़नी चाहिए? दो विपरीत चीजें हैं, एक उत्तर है तो एक दक्षिण है, तो वैसे ही गर्मी है तो दूसरा, तो जैसे एक उत्तर और एक दक्षिण दो विपरीत है, तो जिस प्रकार एक उत्तर और दक्षिण है उसी प्रकार गर्मी और सर्दी है। तो कहने का तात्पर्य है जब उत्तरी गोलार्ध में अप्रैल से लेकर अगस्त तक गर्मी पड़ेगी तो इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी रहेगी, और जब दक्षिणी गोलार्ध में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक गर्मी रहेगी तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में यह महीना कैसा होगा? सर्दी का चलेगा। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि बताइएगा भारत देश के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो बड़े आसानी से बता देंगे आप
कि सर भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है वह है कर्क रेखा। तो भारत में कब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होगी? उत्तरी गोलार्ध में अप्रैल। आप बताइएगा, अगर आज देखा जाए तो आज 9 अप्रैल है, आज 9 अप्रैल है, सूर्य की किरण है लगभग भारत के दक्षिणी छोर पर आ गई है। सूर्य के किरणों का मतलब है ITCZ लगभग भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर केरल या तमिलनाडु में इस समय स्थापित हो जाता है और धीरे 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 आएगा। और जून में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए जून का महीना उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध के उन देशों में जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है सबसे गर्म माना जाता है। अगर मैं आपसे सिंपल से शब्दों में पूछूं कि बताइएगा आपके यहां अर्थात भारत देश में सबसे अधिक गर्मी कब पाई जाती है, तो भारत देश में सबसे अधिक गर्मी पाई जाती है कब? तो जून के महीने में। कब पाई जाती है? तो पाई जाती है जून के महीने में, ठीक ना। चलेगा, इसी चीज को अभी हमें और समझना है। यहां देखिएगा, मान लीजिएगा ये आपका भारत है, मान लीजिएगा ये आपका भारत है और यहां पर अप्रैल में सूर्य की किरणें यहां पर आती हैं, अप्रैल है, अप्रैल में यहां पर आती हैं, मई में सूर्य की किरणें मान लीजिएगा यहां पर आती हैं और जून आते आते सूर्य की किरणें कहां पहुंच जाती हैं? जून आते आते सूर्य की किरणें कहां पहुंच जाती है? विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर कहां पहुंच जाती हैं? तो यहां पर जो रेखा है कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, ठीक ना। जो ब्लू कलर से बना रहे हैं या तो आप सूर्य की किरणें मान लीजिएगा या इसी को चाहे आप तो ITCZ मान लीजिएगा। इसी को आप क्या मान लीजिएगा? इसी को आप ITCZ मान लीजिएगा, इसी को आप ITCZ मान लीजिएगा। और यहां पर नीचे एक रेखा होगी और यहां पर जो रेखा है ये जो रेखा है ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री पर सूर्य की किरण कब होती हैं? तो 0 डिग्री पर ITCZ सूर्य की किरण कब होती हैं? 22 मार्च को। कब होती हैं? 22 मार्च को होती हैं। तो 22 मार्च को यहां पर है, अप्रैल में भारत के सबसे दक्षिणी छोर में, अप्रैल के बाद मई में मध्य भारत में या दक्षिण भारत में आती हैं और जून में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें आती हैं। तो जैसे जैसे सूर्य की किरणें आ रही हैं वैसे वैसे ITCZ आ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत देश में गर्मी कब से पड़ना प्रारंभ होती है, तो भारत देश में गर्मी कब से पड़ना प्रारंभ हो जाती है? तो अप्रैल से पड़ना प्रारंभ हो जाती है, अप्रैल या 22 मार्च के बाद हल्की हल्की से हमें गर्मी महसूस होने लगती है, ठीक ना, आप समझिएगा। चलिए बताइए जल्दी से, अगर हम पूछे स्थल और जल में से एक कौन सबसे अधिक जल्दी गर्म होगा, तो धरातल जल्दी से गर्म होते हैं और जल्दी से ठंडे होते हैं। मैंने कल पढ़ाया था आपको कि धरातल जल्दी से गर्म होते हैं और जल्दी से ठंडे होते हैं, जबकि जल के भाव जो है वो देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं, देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं। तो यहां पर भारत के तीन ओर यहां पर क्या है? भारत के तीन ओर यहां पर जल है, तो जल भी ITCZ जब यहां पर आ जाएगा यानी सूर्य की किरणें जब भारत में प्रवेश करेंगी तो यहां का जल है यह भी गर्म होगा, साथ ही साथ भारत के अंदर का जो धरातलीय भाग है यह भी गर्म होगा। होगा या नहीं होगा? तो दोनों गर्म होते हैं, जल भी गर्म होता है और धरातल भी गर्म होता है, लेकिन अंतर इतना है कि धरातल जल्दी से गर्म होता है जबकि जल धीरे 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 गर्म हो रहा होता। तो धरातल जब जल्दी से गर्म हो जाता है तो धरातल पर टेम्परेचर अधिक हो जाता है जबकि जल की सतह पर टेम्परेचर क्या रहता है? जल की सतह पर टेम्परेचर कम रहता है। धरातल जल्दी से गर्म हो जाता है तो अगर धरातल जल्दी से गर्म हो जाएगा तो तापमान का दाब से कैसा संबंध होता है? विपरीत। अगर धरातल अधिक मात्रा में गर्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी गर्म होगा, तो धरातल पर कौन सा प्रेशर बन जाएगा बाबू? लो प्रेशर। और जल की सतह पर कौन सा प्रेशर बन जाएगा? तो जल की सतह पर बन जाएगा आपका हाई प्रेशर। जल की सतह पर हाई प्रेशर बन जाएगा और धरातल पर कौन सा प्रेशर बन जाएगा? लो प्रेशर। अब जब धरातल पर हाई प्रेशर बन गया, जब धरातल पर लो प्रेशर बन गया और जल की सतह पर हाई प्रेशर बन गया, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या चलने लगती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने चलने लगती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने चलने लगती हैं। तो समुद्र से धरातल की ओर या समुद्र से भारत की ओर पवने चलने लगती हैं, क्योंकि यह पवने भारत में आ रही होती हैं, इसलिए इन पवनों को हम आता हुआ मानसून कहते हैं। इसलिए इन पवनों को क्या नाम दिया जाता है? इसलिए इन पवनों को एक नाम दे दिया जाता है, आता हुआ मानसून। क्या नाम दिया जाएगा? आता हुआ मानसून, ठीक ना। तो आता हुआ मानसून,
अब ये आता हुआ मानसून है, इसको हम फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मतलब इसको कल क्लास में पढ़ेंगे, और भी अभी चीजें हैं, पहले उनको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, ग्रीष्म ऋतु तो भारत में ग्रीष्म ऋतु कब से प्रारंभ होती है? 22 मार्च के बाद प्रारंभ होती है भारत में ग्रीष्म ऋतु। भारत में पूछा जाता है क्योंकि 22 मार्च तक तो सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर ही है, तो 22 मार्च के बाद क्या होता है? 22 मार्च के बाद प्रारंभ होती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में बाबू क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु में जो धरातल है, ग्रीष्म ऋतु में जो धरातल है, धरातल गर्म हो जाएंगे। धरातल क्या हो जाएगा? टेम्परेचर अधिक होने के कारण धरातल गर्म हो जाएंगे, और जब टेम्परेचर अधिक होने के कारण धरातल गर्म हो जाएंगे तो धरातल पर गर्म होने के कारण गर्म हवाएं चलने लगती हैं, और इन गर्म हवाओं को क्या नाम दिया जाता है? इन तेज गर्म हवाओं को उत्तर भारत में चलती हैं, और उत्तर भारत में इनको नाम दिया जाता है लू। क्या नाम दिया जाता है? तो उत्तर भारत में इनको नाम दिया जाता है लू। यहां पर समझिए अच्छे, धरातल गर्म हो जाता है, और जब धरातल गर्म हो जाता है तो धरातल की वायु गर्म हो जाती है, धरातल पर चलने वाली वायु या हवा गर्म हो जाती है, धरातल पर चलने वाली हवा गर्म हो जाती है। इस गर्म हवा को लू कहते हैं। इस गर्म हवा को क्या कहते हैं? इस गर्म हवा को एक नाम दिया जाता है, और इस गर्म हवा को एक नाम दिया जाता है, और नाम क्या दिया जाता है? लू। क्या नाम दिया जाता है? लू। लेकिन याद रखिएगा, लू दक्षिण भारत के क्षेत्रों में नहीं चलती है, लू दक्षिण भारत के क्षेत्रों में नहीं चलती है। लू दक्षिण भारत के क्षेत्रों में इसलिए नहीं चलती है क्योंकि यहां पर समुद्र का प्रभाव रहता है, इसलिए लू उत्तर भारत में चलती है, ठीक ना। तो मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं, दक्षिण भारत में समुद्री प्रभाव होने के कारण, क्योंकि हमने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि जहां पर समुद्र है वहां पर समकारी जलवायु पाई जाती है, ना अधिक सर्दी और ना अधिक गर्मी, वर्ष भर लगभग एक समान मौसम रहता है। जबकि जैसे जैसे समुद्री क्षेत्रों से धरातलीय क्षेत्रों की ओर जाएंगे, अंदर की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या होती जाती है? वैसे वैसे टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। तो दक्षिण भारत में समुद्री प्रभाव होने के कारण, लू का विकास नहीं हो पाता है, जबकि उत्तर भारत में, धरातलीय प्रभाव के कारण लू का विकास हो जाता है। लू तेज गर्म हवाएं होती हैं जो राजस्थान मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश जो राजस्थान उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश जो राजस्थान उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में चलती है राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में चलती है ठीक ना। इसको याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक ना। अब और समझिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसका होता क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने के कारण
तापमान अधिक होने कारण, ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने के कारण, ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने के कारण धरातल गर्म होगा, धरातल अत्यधिक गर्म होगा। और जब धरातल अत्यधिक गर्म होगा तो धरातल पर कई सारी नदियां, धरातल पर कई सारे तालाब, धरातल पर कई सारी झीलें होंगी, और उन धरातल पर पाए जाने वाले तालाब, झील या नदियों से पानी, जो उनमें पानी पाया जाएगा वो पानी गर्म होगा, और गर्म पानी से बाष्पीकरण होगा, और बाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होगा। तो यहां पर समझिएगा, धरातल अत्यधिक गर्म होगा जिससे धरातल पर पाए जाने वाले, जिससे धरातल पर पाए जाने वाले, धरातल पर पाए जाने वाले, जिससे धरातल पर पाए जाने वाले जल के स्रोत, पाए जाने वाले जल के स्रोत या जल के स्रोतों, जैसे तालाब है, पोखर है, कूप है, ठीक ना, जल के स्रोतों से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। अब जब वाष्पीकरण की यहां पर प्रक्रिया होगी, ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है, तो वाष्पीकरण की जब प्रक्रिया होगी तो बादलों का निर्माण होगा, और बादलों का निर्माण होगा तो वर्षा होगी, बादलों का निर्माण होगा, और जब बादलों का निर्माण होगा तो फिर क्या होगी, बादलों का निर्माण होगा तो फिर वर्षा हो जाएगी, बादलों का निर्माण होगा तो फिर वर्षा हो जाएगी। तो अर्थात यह वर्षा कब हो रही है, तो यह वर्षा हो रही है ग्रीष्म ऋतु, मानसून तो अभी आया नहीं, तो मानसून ना आने के पहले ही ग्रीष्म ऋतु में आप देखते हैं अप्रैल या मई में आप देखिएगा कि आपको वर्षा दिखाई देगी, वर्षा होती है, वर्षा दिखाई देगी मतलब वर्षा होती है, ठीक ना, वर्षा होती है। तो मानसून आने से पूर्व ये वर्षा क्यों हो रही है, क्योंकि धरातल गर्म होंगे, और धरातल पर जो नदी है, जो तालाब है, जो कूप है, जो पोखर है, जो झीलें हैं, उनके पानी का तो भी बाष्पीकरण होगा, तो उन्हीं के द्वारा इन बादलों का निर्माण होता है, बादल वर्षा करते। चूंकि मानसून के पूर्व यह वर्षा हो रही है, तो मानसून के पूर्व वर्षा होने कारण इसे मानसून पूर्व, इसे मानसून पूर्व फुहार कहा जाता है। मानसून पूर्व इसे क्या कहते हैं, फुहार कहते हैं, फुहार, इसे क्या कहा जाता है, मानसून पूर्व वर्षा कहा जाता है, मानसून पूर्व फुहार कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये जो मानसून पूर्व फुहार है, मानसून के पहले वर्षा होती है, ये जो मानसून पूर्व फुहार है, फुहार, ये मानसून पूर्व फुहार तेज गति से, मानसून पूर्व फुहार तेज गति से सीमित क्षेत्र में, तेज गति से सीमित क्षेत्र में अल्पकाल के लिए होती है। मानसून पूर्व फुहार तेज गति से सीमित क्षेत्र में अल्पकाल की वर्षा होती है, अल्पकाल की वर्षा होती है, अल्पकाल की क्या होती है, अल्पकाल की वर्षा होती है। आप देखिएगा, गर्मियों में आपने देखा होगा तेज गति से वर्षा होगी, हो सकता है एक क्षेत्र में हो रही है और 10 कदम आगे चलिएगा तो वहां पर वर्षा नहीं मिलेगी, तो तेज गति से सीमित क्षेत्र में अल्पकाल के लिए होती है, हो सकता है 5-7 मिनट की हो। तो मानसून फुहार जो है तेज गति से सीमित क्षेत्र में अल्पकाल के लिए होती है। इसी मानसून पूर्व फुहार को एक नाम और दिया जाता है, और इसी मानसून पूर्व फुहार को एक नाम दिया जाता है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा की भी यही विशेषताएं हैं। संवहनीय वर्षा का मतलब होता है जिस क्षेत्र में बाष्पीकरण हुआ, जिस क्षेत्र में बादल बने, उन्हीं क्षेत्रों में क्या हो जाए, वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में पानी गर्म हुआ, बाष्पीकृत हुआ, और बाष्पीकृत होने के बाद बादल बने, संघनन की प्रक्रिया और बारिश हो गई, तो इस वर्षा को संवहनीय वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वर्षा को संवहनीय वर्षा, तो अगर आपसे पूछा जाए संवहनीय वर्षा की विशेषताएं, तो तेज गति से होती है, सीमित क्षेत्र में होती है, और अल्पकाल के लिए होती है। क्या भारत के कुछ राज्यों में इस संवहनीय वर्षा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में, जैसे पश्चिम बंगाल, एक कलर दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, जैसे पश्चिम बंगाल में इस वर्षा को एक नाम दिया जाता है काल वैसाखी। पश्चिम बंगाल में संवहनीय वर्षा को एक नाम दिया जाता है काल वैसाखी। उड़ीसा में
इस सम्मानीय वर्षा को एक नाम दिया जाता है नॉरबेस्टर। क्या नाम दिया जाता है? नाम दिया जाता है नॉरबेस्टर। उसके बाद कर्नाटक में इस वर्षा को एक नाम दिया जाता है, और कर्नाटक में इस वर्षा को नाम दिया जाता है चेरी विलाजम। क्या नाम दिया जाता है? तो कर्नाटक में इस वर्षा को नाम दिया जाता है चेरी विलाजम, और केरल में इस वर्षा को नाम दिया जाता है आम्र वर्षा। केरल में इस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह आम की खेती के लिए लाभकारी होती है, या आम की फसल के लिए लाभकारी होती है, आम की फसल के लिए लाभकारी होती है, आम की फसल के लिए लाभकारी होती है, आम की फसल के लिए लाभकारी होती है। और जो तमिलनाडु के चेरी विलाजम वर्षा है, यह कॉफी के कृषि के लिए लाभकारी होती है, कॉफी की कृषि के लिए लाभकारी, किसके लिए? कॉफी की कृषि के लिए लाभकारी होती है। किसके लिए लाभकारी होती है? तो यह कॉफी की कृषि के लिए लाभकारी होती है। दोनों ही याद रखना है, ठीक ना, दोनों ही याद रखना है। तो सम्मानी वर्षा जो है, इसी को मानसून पूर्व फुहार कहा जाता है, मानसून के आने से पहले ही वर्षा होती है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि बताइएगा सम्मानी वर्षा अधिक मात्रा में कहां होगी, उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में, तो याद रखिएगा ना तो उत्तर भारत में ना ही दक्षिण भारत में, संपूर्ण भारत में समान रूप से होती है। इसका कोई मानक नहीं है कि यहां पर अधिक होगी या यहां पर कम होगी, ठीक। और एज क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तेज गति से सीमित क्षेत्र में अल्पकाल की होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो इस वर्षा को नाम दिया जाता है सम्मानी वर्षा। तो आज का एक टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। जब अगली वीडियो हमारी आएगी तो उसमें हम मानसून भारत में प्रवेश कराएंगे, और मानसून भारत में दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है, इसलिए उस मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है, इसलिए उस मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। अगली वीडियो में हम दक्षिण पश्चिम मानसून को समझेंगे, ठीक ना। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ आपको अध्यापन कार्य किया जाएगा, और इस बैच से जुड़ने के लिए जो आरओ एआरओ की परीक्षा है 1 अगस्त को, इसके लिए हमारे यहाँ एक कोर्स स्टार्ट किया गया है, आरओ एआरओ का फाउंडेशन बैच। इस बैच में प्रवेश पाने के लिए आपको केवल इतना सा कार्य करना है, यह हमारा नंबर है, और इस नंबर पर आपको केवल एंट्री आरओ एआरओ लिखकर भेजना है। जो भी अन्य संस्थानें हैं जो ये बैच चलाती हैं, उनसे बहुत आगे हम लोग, उनसे 1000 गुना आगे हम लोग, अच्छी क्लास है, आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों प्रकार से पढ़ाया जाएगा, पीडीएफ नोट्स, हैंडरिटन नोट्स, टेस्ट पेपर, सब कुछ आपको कराए जाएंगे। इस नंबर पर केवल आपको आरओ एआरओ एंट्री लिखकर मैसेज कर देना है। अगर आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी चाहिए तो ये हमारे काउंसलर सदस्यों के नंबर हैं, आप इन पर प्रातः 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं, ठीक ना। इस क्लास में यहीं तक, इसके आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और बेसिस रूप से एक बात कहना चाहूंगा कि इस महामारी में अपना और अपने परिवार का और अपने परिवेश का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।